हेलो फ्रेंड, इंडियन एडवांस स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BASU 2021 के बारे में। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा रिगार्डिंग इसके एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस और काउंसलिंग के बारे में सारी जानकारी मैं आपको स्टूडियो में दूंगा। स्टूडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है BASU 2021 और आगे आपको लिखना IAS पेपर। IAS पेपर एक ऐसा एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको BASU 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसे आपको सर्च कर लेना। सर्च करते ही आपको यहाँ पे देखिएगा IASpaper.net, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आप IAS पेपर के वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी इसी पेज में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा BASU एडमिशन 2021। उससे पहले आपके सामने जो फॉर्म आया उसे आपको फिल कर लेना। आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका सिटी क्या है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है या किसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी कोर्स की आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक, मैनेजमेंट बीबीए एमबीए, डिजिटल लर्निंग एमबीए, बीसीएमसी कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, मीडिया, फिल्म जर्नलिज्म, लॉ, साइंस, एसएमएससी, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हायर क्वालिफिकेशन 10th से 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, जो भी उसे सिलेक्ट करके गेटवे काउंसलिंग पर क्लिक कर देना। जैसे आप गेटवे काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको BASU एडमिशन 2021 के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा, आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। जैसे कि आपने आप देख लिया बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका जल्दी रिलीज होगा। चेक ईयर टू चेक कम्प्लीकेशन डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। एप्लीकेशन जो इसका रिलीज होगा तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगे बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी 2021 के बारे में। उससे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, इंडिया के 11 ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है मैं आपको बता देता हूँ। UPES, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, जेडी गोंडका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU, काजीरंगा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुका है फॉर ऑल कोर्सेज के लिए। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको कोर्स चाहिए रहेगा उस कोर्स के लिए। अप्लाई करने से पहले आपको यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेना, उसकी पूरी जानकारी ले लेनी, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैं बता रहा था आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एग्रीकल्चर एडमिशन थ्रू ICAR के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ, इवेंट मिल जाएंगे सारे डेट, अभी तक टेंटेटिव कोई भी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे डेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आपको डेट्स एग्जैक्टली डेट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस आपको दिया, एप्लीकेशन फॉर्म विथ लेट फीस दिया आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन विथ लेट फीस, लास्ट डेट ड्यू सबमिशन ऑफ वन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल है, इंट्रेंस एग्जाम, रिलीजिंग ऑफ असर की डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग आपका कभी होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ एप्लीकेशन फी फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑफिसर गो थ्रू ऑफिसियल वेबसाइट, आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इंटरव्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो रजिस्ट्रेशन यू सर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल भरना पड़ेगा, जैसे नेसेसरी डिटेल, आपको पर्सनल एकेडमिक प्रोग्राम डिटेल, आपको सारी चीज़ें। उसके बाद आपका इमेज स्कैनर, फोटोग्राफर, सिग्नेचर लगा देना रहेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा उसे आपको सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको अपना एड्रेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस फिल करके आप अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट डिटेल करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी भर के आप अपना फ़ी चलान का जो लिस्टमेंट स्लिप रहेगा उसे आप पेमेंट चलान के थ्रू आप प्रिंट आउट निकाल के आप इसमें थ्रू कर सकते हैं। मतलब आप इसके डॉक्यूमेंट में मेंशन करके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिंट रहेगा आपको, ऑनलाइन एक प्रिंट आउट कॉपी और एप्लीकेशन फॉर्म, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको आपको फोटोग्राफ मतलब कॉपी उसका निकाल लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना आपको। ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी आपको ये दिया हुआ है, यहाँ से जाके आपको यूनिवर्सिटी के बारे में रीड कर लेना है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ एलिजिबिलिटी का ओनली एप्लीकेशन वो तो कम्प्लीट परसेंट एलिजिबिलिटी ऑफ अप्लाइड टेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अप्लाई किया रहेगा टेस्ट, नेशनलिटी एज लिमिट आपको दिया हुआ है, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टडी सब्जेक्ट एंड प्राइस डूइंग द सेम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट आपका जल्दी अगर रिजल्ट आपका एग्ज़ाम के बाद तुरंत आ जाएगा तो आपको रिजल्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो और रोल नंबर डाल के आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड जाके चेक कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिजल्ट। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर आपको दिया हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेट वेरीफाई द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन नीड द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बाय द कमिटी शॉर्ट लिस्टिंग अबाउट फाइनल लिस्ट इंटरव्यू के लिए आपका फाइनल लिस्ट आएगा। फाइनल लिस्ट के बाद आपका चॉइस फिलिंग रहेगा, चॉइस